जो सरकार का काम होता है वह उतना महत्व नहीं हो पाता जब तक उसमें समाज नहीं जुड़ता है। इसलिए राज और समाज मिलकर यह काम करे तो काम अवश्य सफल हो जाएगा। समाज के जागरण, समाज को इस काम के जुटाना, ये काम गंगा समग्र का है। देश भर के कार्यकर्ता सक्रिय हों, माँ गंगा के प्रति अपनी भूमिका क्या है, हम क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, उस समझ को विकसित करने के लिए हम लोग देश भर में ऐसे चिंतन वर्क कर रहे हैं। और गंगा के अगल बगल में जितने भी ड्रग्स माफिया है या जो मतलब इलीगल काम करते हैं उनको सरकार के माध्यम से रोकने का प्रयास करने का हम लोग कर रहे हैं चेष्टा। और गंगा की साफ सफाई के लिए जो अनवरत गंगा को साफ रख सकते उसके लिए करते हैं। सहायक नदी जीवित रहेंगी तो माँ गंगा जीवित रहेंगी, तालाब जीवित रहेंगे तो माँ गंगा जीवित रहेंगी, और पौधे हरियाली अगर रहेंगे तो बरसात होंगे तो उसके माध्यम से भी माँ गंगे भी क्या रहेंगे, उनका जल भरा रहेगा, सहायक नदियों में भी क्या जल भरा रहेगा। इसके लिए पूरे भारत के 16 प्रांत जो प्रयासरत हैं और पश्चिम बंगाल के 3 प्रांत, उत्तर बंगाल, मध्य बंगाल और दक्षिण बंगाल भी प्रयासरत हैं। गंगा की निर्मलता और अविरलता पर गंगा समग्र पश्चिम बंगाल शाखा की तरफ से कोलकाता के सत्संग भवन में प्रांतीय चिंतन बैठक व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से अखिल भारतीय संगठन मंत्री रामाशीष जी व अखिल भारतीय संगठन महामंत्री आशीष गौतम उपस्थित थे। चिंतन बैठक के माध्यम से गंगा की साफ सफाई, गंगा दशहरा, वृक्षारोपण, गंगा नदी के आसपास के आश्रितों का विकास और नदी के कटाव बढ़ाव ऊंचाई विषय पर महाचिंतन किया गया। रामाशीष जी ने इस अवसर पर कहा कि गंगा नदी सभी नदियों में श्रेष्ठ है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत गंगा नदी का ख्याल केंद्र सरकार रख रही है। गंगा समग्र की तरफ से गंगा को लेकर कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत साफ सफाई प्रमुख है। चिंतन बैठक के माध्यम से हम लोग साल भर के कर्म सूची पर ध्यान देते हैं और संकलित करते हैं। गंगा समग्र जैसा नाम से ही दिखाई पड़ता है कि गंगा जी की अविरलता और निर्मलता के लिए जो जो भी करना उचित और आवश्यक है वो सभी काम को करना, यानी गंगा समग्र। हमारी ये मान्यता है कि गंगा जी इस देश की संपूर्ण नदियाँ और संपूर्ण जल के एक प्रतिनिधि नाम है। उसको स्वच्छ रखना, बनाए रखना, यह केवल मानवता के लिए नहीं तो संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक है। और इसलिए ये एक आज के युग में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। आज की वर्तमान की केंद्र सरकार नमामि गंगे के नाम से एक योजना बनाकर इस काम में अपनी पूरी शक्ति से जुटी हुई है, लेकिन केवल जो सरकार का काम होता है वह उतना महत्व नहीं हो पाता जब तक उसमें समाज नहीं जुड़ता है। और कई लोग कहते हैं कि असरकारी ही असरकारी है, असरकारी ही असरकारी है। इसलिए राज और समाज मिलकर यह काम करे तो काम अवश्य सफल हो जाएगा। समाज के जागरण, समाज को इस काम के जुटाना, ये काम गंगा समग्र का है। इस बात की चिंतन मनन करने के लिए बंगाल प्रांत के कार्यकर्ता आज यहाँ पर ये बैठक कर रहे हैं। आशीष गौतम ने इस अवसर पर कहा कि गंगा गंगोत्री से शुरू होकर बंगाल की खाड़ी और गंगा सागर तक लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गंगा का विकास का मतलब आम लोगों का विकास है। हम लोगों को गंगा के रखरखाव पर पूरे ध्यान देने और सजग रहने की जरूरत है। आने वाले समय में गंगा के विकास के लिए और भी कर्म सूची तैयार की जाएगी। माँ गंगा हिमालय गोमुख से चल करके कलकत्ता के पास यहाँ बंगाल में गंगा सागर में अपनी यात्रा पूरी करती हैं। यात्रा लगभग 2500 किलोमीटर की है। तो संगठन की रचना के लिए, समाज के जन जागरण के लिए इसको हम लोग जैसे उत्तराखंड, दिल्ली, मेरठ, ब्रज, कानपुर, काशी,
अवध, गोरक्ष और उत्तर बंगाल, दक्षिण बंगाल, झारखंड और उधर उत्तर बंग, मध्य बंग और दक्षिण बंग मिला करके ऐसे 14-15 प्रांत मिला काम करते हैं। देश भर के कार्यकर्ता सक्रिय हों, माँ गंगा के प्रति अपनी भूमिका क्या है, हमको क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, उस समझ को विकसित करने के लिए हम लोग देश भर में ऐसे चिंतन वर्क कर रहे हैं। उसी में से बंगाल प्रांत का हमारे तीनों प्रांतों के कार्यकर्ता हैं, उनका प्रशिक्षण वर्ग है आज ये। हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। गंगा समग्र का क्या है कि जितने भी क्षेत्र है गंगा का, माँ गंगा का या गंगा से संबंधित जितनी नदियाँ हैं उनके, उनको अच्छे से वहाँ के लोगों के पास में पहुँचना, कार्य करना। गंगा के अगल बगल में जो 5 किलोमीटर एरिया के अंतर्गत जो गंगा का या रास्ते का जो पानी का स्तर नीचे हो गया है उसको पेड़ों के द्वारा उपार्जन करके, वृक्षारोपण करके पेड़ों के या नदियों का जलस्तर ऊपर करना है, ये मेन कार्य है। उसके पश्चात गंगा समग्र के माध्यम से जो गंगा के किनारे घाटों पर डोम रहते हैं या जो घाटियां जिसको बोलते हैं अपने लोग, हाँ उन, हाँ आश्रित, तो जो गंगा आश्रित है उनकी मतलब सुख सुविधाओं को बढ़ा करके उनको और ज़्यादा रोजगार से जोड़ना, और गंगा के अगल बगल में जितने भी ड्रग्स माफिया है या जो मतलब इल्लीगल काम करते हैं उनको सरकार के माध्यम से रोकने का प्रयास करने का हम लोग कर रहे हैं चेष्टा, और गंगा की साफ़ सफाई के लिए जो अनवरत गंगा को साफ रख सकते उसके लिए करते हैं। माँ गंगा और माँ गंगा की निर्मलता और अविरलता को लेकर भारत के 16 प्रांतों में ये प्रयास जारी है। गंगा और गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनके साथ में जितने तालाब हैं और तालाब के माध्यम से जितने वृक्षारोपण हैं उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सहायक नदी जीवित रहेंगी तो माँ गंगा जीवित रहेंगी, तालाब जीवित रहेंगे तो माँ गंगा जीवित रहेंगी, और पौधे हरियाली अगर रहेंगे तो बरसात होंगे तो उसके माध्यम से भी माँ गंगे भी क्या रहेंगे, उनका जल भरा रहेगा, सहायक नदियों में भी क्या जल भरा रहेगा। इसके लिए पूरे भारत के 16 प्रांत जो प्रयासरत हैं और पश्चिम बंगाल के 3 प्रांत, उत्तर बंगाल, मध्य बंगाल और दक्षिण बंगाल भी प्रयासरत हैं, जन जागरण के माध्यम से, स्कूलों के बच्चों के माध्यम से, बस्तियों के माध्यम से, गंगा के घाट पर रहने वाले लोगों के माध्यम से, पंडा पुरोहित आश्रितों के माध्यम से, मल्लाहों के माध्यम से हम लोग माँ गंगा की निर्मलता और अविरलता को लेकर हम लोग जन जागरण करना प्रयास करें। शिविर के दौरान बंगाल प्रांत संपर्क प्रमुख संजय कुमार भौतिका ने अतिथियों का स्वागत किया। दक्षिण बंगाल के संयोजक ब्रिज उपाध्याय रमाकांत पंडित सुबोध गुप्ता प्रशिक्षण शिविर को सफल बनाने में मुख्य रूप से सक्रिय रहे। युवा शक्ति की यह खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।